साथियों, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आवाज दो एक है, आवाज दो एक है, आवाज दो एक है। विश्वास और संतोष जैसी बेटी बहन बेटी पैदा हो गई है, ये कितने भी भ्रष्टाचारी आवाज उठाए हमें दबाने की कोशिश करें, हमें कुछ ले, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। देश दीवाने आ गए भाई, देश दीवाने आ गए, बीजेपी और कांग्रेस वाले सबके सब तिल मिला गए। देश दीवाने आ गए भाई, देश दीवाने आ गए, देश में जान निछावर है, एक संतोष को या हजारों संतोष पैदा करें। अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। या हजारों जाने कुर्बान है देश के ऊपर, दोस्तों मैं 2001 से जानता हूँ। 2001 में संतोष ने परिवर्तन ज्वाइन किया था, छोटी सी बच्ची थी वो, और तब से आज तक एक छोटी बहन की तरह राशन कार्डों के खिलाफ भी उसने जम के लड़ाई लड़ी। एक बार उसके चेहरे को ब्लेड से काटने की कोशिश की गई, वो बच गई क्योंकि उसके बाल कट गए सारे। उसके 15 दिन बाद उसका गला कट गया। उस वक्त उसने मुझे बताया उसके ऊपर परिवार से बहुत दबाव था कि परिवर्तन छोड़ दो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। और जिस परिवार से वो आती है वो एक पारंपरिक परिवार है, हर परिवार को अपनी बेटी प्यारी होती है। तो उन्होंने कहा ये इस तरह का काम करके क्या मिलेगा तुमको, और शादी करनी है तुम्हारी, शादी करने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, कौन देश को बचाएगा। जब उसका गला कटा उसके बावजूद अगर वो ऐसी बात कहती है, और अब जिस तरह का उसके साथ ये हादसा हुआ है, कल जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर से बात की, तो एक डॉक्टर ने कहा जी कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं। और आज लगभग ये निश्चित है कि संतोष हमारे बीच में वापस आएगी। ये चमत्कार है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन लोगों ने रात दिन मेहनत करके उसको बचाने की कोशिश की, जितने भी डॉक्टर्स थे। कुछ डॉक्टर्स स्टेज के ऊपर हैं, कुछ डॉक्टर्स शायद ऑडियंस में बैठे हैं, कुछ डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, कुछ लोगों का नाम हम लेना शायद भूल गए हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उन सारे डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है, अगर उन लोगों को ये लगता है कि वो हमारे हौसले पस्त कर देंगे तो इनको पता नहीं हम किस मिट्टी के बने। इनको पता नहीं है कि अभी थोड़े दिन पहले 18 बच्चों को इन्होंने जेल में इतना पीटा, इनको लगा कि हम चुप हो जाएंगे, लेकिन हम और शेर बन के निकल के आ गए। एक हाथ तोड़ते हैं और 100 हाथ अपने हाथ तोड़वाने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। एक टांग तोड़ते हैं, 100 टांगे आगे बढ़ा देते हैं हम तो तोड़वाने के लिए। संतोष कैसे बची? जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, और जब सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आज लोग भूल गए हैं कि सच्चाई में कितनी बड़ी ताकत है। जब हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो भगवान हमारे साथ है।
महाभारत की लड़ाई में भी दुर्योधन के साथ तो पूरी सेना थी, कितनी बड़ी सेना थी, दुर्योधन के साथ सारा साम्राज्य था, लेकिन पांडवों के साथ केवल कृष्ण भगवान थे। हमारे साथ हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है, हमारा खुदा है, इसलिए ये चमत्कार हुआ पिछले 24 घंटे के अंदर। पिछले 2 साल में कई चमत्कार हुए हैं, एक के बाद एक चमत्कार हुए, और पिछले 24 घंटे में ये चमत्कार हुआ, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि अब शायद भारत का समय आ गया, अब भारत जरूर बदलेगा। तो साथियों, मैं सब लोगों से, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से बची है संतोष, और शायद जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। हम सब लोगों की नियति में कहीं ना कहीं लिखा है, हमारा रोल डिसाइडेड है, तो अगर संतोष का रोल भी डिसाइडेड है, और संतोष को बहुत बड़ा काम करना है, इसीलिए भगवान उसको मार ही नहीं सकता, संतोष का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, संतोष वापस आएगी। और मुझे पूरा यकीन है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कल सुबह वो धीरे धीरे उसका वेंटिलेटर हटाएंगे, उसका सपोर्ट सिस्टम हटाएंगे, तब वो देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करती है। और मुझे तो पूरा यकीन है, जैसे गोपाल भाई भी कह रहे थे कि संतोष हमारे बीच में ज़रूर वापस आएगी और हम लोग ज़रूर जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मैं 2 बातें केवल कहना चाहता हूँ। इससे एक बात तो साबित हो गई है कि पूरी तरह से खलबली मची हुई है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच में, ये हमारी सफलता का संकेत है। 2 चीज़ें हैं, एक तो मुझे बहुत खुशी है, कल कुछ लोग कह रहे थे कि कार्यकर्ता घबरा जाएंगे, कार्यकर्ता डर जाएंगे, डर तो नहीं गए, घबराहट तो नहीं हो रही। आज ही किसी का SMS आया था कि जी अगर ये इस नीचता के ऊपर उतर सकते हैं, तो बोला जी मैंने तय किया कि मैं अपने 5 महीने अब अपनी दुकान बंद कर रहा हूं, पूरी तरह से कूद रहा हूं इस आंदोलन के। तो घबराना तो दूर, लोग अब पूरी तरह से, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये लोग इतनी तरह से घबराए हुए हैं, इसका मतलब हम लोग जीत रहे हैं। हमने भी एक इंटरनल सर्वे कराया था, और वो इंटरनल सर्वे ये दिखाता है कि आने वाले नवंबर के दिन चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी, और इसी वजह से ये लोग घबराए हैं। दूसरी बात ये, इसकी वजह से हो सकता है आपके मन में खूब गुस्सा आ जाए, जो भी हादसे हुए हैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में, हो सकता है आपके अंदर गुस्सा आ जाए, और अगली बार अगर ऐसा हो सकता है आपका मन करे हाथ उठाने का, वो कभी मत कर देना, हम हार जाएंगे। हमारे ऊपर जितनी बड़ा से बड़ा हमला होगा, उस हमले को सहने की शक्ति रखनी पड़ेगी, इसी वजह से आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, इसी वजह से देश हमारा साथ दे रहा है। अगर हमने कहीं पे हिंसा कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो कभी भी हिंसा नहीं करनी अपने को। जिस रास्ते पे चल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, आप सब लोग लगे हुए हैं इस आजादी की दूसरी लड़ाई में, बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के लगे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अंत में जरूर जीतेंगे। आप लोग दुआएं कर रहे हैं कल से, दुआ करते रहिएगा, रोज दुआ करिएगा संतोष के लिए, देश के लिए, और इस देश की खुशहाली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।